काफी लंबे समय बाद रेसलमानिया 35 में जब बतिस्टा ने अपनी धमाकेदार वापसी की थी, उस मैच के बाद बतिस्टा ने संन्यास ले लिया। आज बतिस्टा की उम्र 50 के पार हो गई है, ऐसे में उनका यह निर्णय काफी बढ़िया भी है। या दूसरे शब्दों में कहें तो बतिस्टा आज हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, ऐसे में उन्हें रेसलिंग करने की जरूरत है ही नहीं। अपने समय में बतिस्टा ने काफी शानदार बॉडी तक बना ली थी, हर तरफ उनकी बॉडी की ही चर्चाएं होती थी। रेसलर होने के साथ साथ बतिस्टा एक्टर भी और एक एमएमए फाइटर भी रह चुके थे। एमएमए में उनका रिकॉर्ड 1-0 का है। बतिस्टा रॉयल रंबल विनर होने के साथ साथ WWE के कई चैंपियनशिप को भी अपने नाम कर चुके थे। ये वही बतिस्टा थे जिन्हें अपने खतरनाक रेसलिंग स्किल्स की वजह से द एनिमल कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, बतिस्टा की कई खतरनाक स्टोरी लाइन उस समय WWE को काफी मुनाफा प्राप्त करवाती थी। अपने सबसे ज्यादा खतरनाक रेसलिंग स्किल्स और दांव पेच की वजह से बतिस्टा को WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में भी शामिल किया जाता है, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको दे दिया था। इस सीरीज के हमने 7 भाग निकाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने समय में बतिस्टा ने कई दिग्गज रेसलरों को हरा डाला था, जिनमें जॉन सीना, ट्रिपल एच, कई बड़े रेसलर शामिल हैं। इतना ही नहीं, बतिस्टा काफी ताकतवर रेसलर थे। इन सबके साथ ही बतिस्टा के बहुत सारे मूव थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो चलिए आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में जानते हैं बतिस्टा के 3 सबसे खतरनाक मूव्स के बारे में। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। नंबर 3 पर बात करें तो है स्पाइन बस्टर। कहा जाता है अपने समय का यह काफी शानदार और खतरनाक मूव माना जाता था। यह मूव कई रेसलरों द्वारा आज भी यूज किया जाता है, पर बतिस्टा इस हमले का उपयोग पहले से करते थे। बतिस्टा इस हमले की वजह से अपने प्रतिद्वंदी को गहरी चोट देने के लिए जाने जाते थे। इस मूव का इस्तेमाल बतिस्टा तब किया करते थे जब प्रतिद्वंदी रेसलर दौड़कर उनकी तरफ आता था। उस समय बतिस्टा फुर्ती के साथ उसको पकड़ते थे और उसकी कमर के पास से दोनों हाथों से उठाकर उसे जोर से जमीन में पटक डालते थे, जिसकी वजह से प्रतिद्वंदी रेसलर की पीठ और खास तरीके से मेरुदंड पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता था। इस खतरनाक मूव का इस्तेमाल आज भी ट्रिपल एच किया करते हैं। अपने समय में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी इस प्रकार के मूव का इस्तेमाल किया करते थे। स्पाइन बस्टर अपने समय का काफी खतरनाक मूव माना जाता था। कहा यह भी जाता था, इस मूव की वजह से कई रेसलर काफी गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए थे। आज भी कई रेसलरों के द्वारा स्पाइन बस्टर मूव के इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया है। सिर्फ अनुभवी और कुशल रेसलर ही इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रतिद्वंदी रेसलर को ज्यादा चोट नहीं आए। नंबर 2 पर बात करें तो वो है स्पीयर। इस हमले का इस्तेमाल WWE में बहुत सारे रेसलर किया करते हैं और आप तो जानते हैं यह एक लोकप्रिय हमला माना जाता है। वर्तमान में रोमन रीन्स और बॉबी लैसे इसका इस्तेमाल किया करते हैं, पर अगर आप WWE इतिहास को देखेंगे तो गोल्डबर्ग, बिग शो, एज, क्रिश्चन आदि कई रेसलर थे जो इस मूव का बखूबी इस्तेमाल किया करते थे। पर जब बात करें बतिस्टा की तो बतिस्टा स्पीयर को काफी तगड़ा मारते थे। यह भी सच है कि बतिस्टा ने कुछ समय के लिए इस मूव का इस्तेमाल अपने फिनिशर के रूप में भी कर दिया था। किसी रेसलर को स्पीयर मारते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, पर जो यह स्पीयर खाता है वही जानता है यह मूव कितना अच्छा है। यह मूव WWE इतिहास के खतरनाक मूव की लिस्ट में भी रखा जाता है। सिर्फ अनुभवी रेसलर ही इस मूव को दिया करते हैं। वैसे इस मूव की तुलना WWE इतिहास के सबसे खतरनाक मूव टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर से नहीं की जा सकती, जिसे मारना सभी रेसलरों के लिए बैन कर दिया गया है सिवाय डेडमैन अंडरटेकर और केन के। पर फिर भी स्पीयर की वजह से प्रतिद्वंदी रेसलर के पेट और पीठ पर काफी नुकसान पहुंचता है। एक ऐसा समय था जब बतिस्टा के स्पीयर खाने के बाद रेसलर उठ ही नहीं पाते थे। नंबर 1 पर बात करें तो आप समझ गए होंगे, हाँ जी, वह है बतिस्टा का बतिस्टा बॉम्ब। बतिस्टा इस मूव का इस्तेमाल अपने फिनिशर के रूप में किया करते हैं और बहुत ही कम ऐसे रेसलर हैं जो इस मूव खाने के बाद उठ पाए हैं। यह एक प्रकार का बहुत खतरनाक पावर बॉम्ब है। सिर्फ बतिस्टा ही विशेष प्रकार से इस प्रकार का मूव मारने के एक्सपर्ट माने जाते थे, इसीलिए इस मूव को बतिस्टा बॉम्ब कहा जाता था। यह मूव अगर असलियत में किसी रेसलर को मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, आप लोग कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, पर अमेरिका में खून करने के आरोप में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने अपने अपोनेंट का खून कर दिया था बतिस्टा बॉम्ब मारकर। उदाहरण के तौर पर आप ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर इस घटना के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है बतिस्टा बॉम्ब। बतिस्टा बॉम्ब में बतिस्टा अपने प्रतिद्वंदी रेसलर को दोनों पैरों के बीच झुकाकर रखते थे और प्रतिद्वंदी रेसलर को कमर के ऊपर
ऊपर वाले हिस्से से इस प्रकार उठाते थे कि प्रतिद्वंदी रेसलर बतिस्टा के शोल्डर में बैठ जाता था और उसके बाद बतिस्टा प्रतिद्वंदी रेसलर को इतनी जोर से नीचे पटक दिया करते थे कि उसके बाद वह रेसलर उठ ही नहीं पाता था। इसके बाद बतिस्टा उस रेसलर को पिन करके बड़े आराम से मैच जीत जाते थे। इस मूव द्वारा बतिस्टा ने कई रेसलरों को गंभीर चोट तक पहुंचाई थी। इन सबके साथ ही बतिस्टा ने कई बड़े दिग्गज रेसलरों को इस मूव के द्वारा हरा डाला था। हम आपको यही राय देंगे कि इस प्रकार के मूव को आप अपने किसी दोस्त पर नहीं इस्तेमाल करें और नहीं मारें, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बतिस्टा इस मूव के एक्सपर्ट थे, शायद इसी वजह से उन्हें यह मूव मारने की इजाजत थी। आपको आज का अंक कैसा लगा और आपकी बतिस्टा के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक का। हमें उम्मीद है आप यह लाइक एम पूरा जरूर करेंगे। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।